शर्म करो मारे आप अजय देवगन हाँ देख लो जेडे पंजाब दे आ गए पग्गा दस्तारा नहीं है दस्तारा तू ही सकते लाड़ दे गुड़ दे लाड़ दे गड्डी उतर जाएगा मेरे गड्डी उतर जाएगा मेरे मैनू पता गल करूंगा उतर के गल करूंगे बुरे थोड़ी ना ना गल करे गड्डी गड्डी के लग जाऊंगा ए पंजाब दे खिलाफ है रोटी थोनू रोटी किदा बचदी आ रोटी किदा बचदी आ थोनू मैं एक ट्रैक्टर सर सी अमित मलिक उन्होंने नाल सी गई मैं उन्होंने 3 साल गड्डी चलाई है 2000 बड़े आर्टिस्ट उन्होंने कीतियां ते ये फिर ट्वीटा पाउंदे कि भाई साढ़े देश की गल आ साडी सरकार आपे सामलूगी वीडियो भी बना के उस तो बाद जी मैं अपना जो रोस प्रगट करके उन्होंने लाणता पा के जिन्या मेरे तो होंगी मैं पाइया तो काफ़ी कट हो गई काफ़ी क्राउड हो गई मैं अपने फोन की वीडियो बना के अपलोड करती थी गिरफ्तारी इसे करके हुई क्योंकि अजय देवगन की गड्डी रोकी हाँ जी इसे करके हुई थी उन्होंने कहा कि तुम गड्डी भन्नी आ मैं गड्डी भन्नी दिखा दो वीडियो इसे करके मेरी गिरफ्तारी हुई कि अजय देवगन का जो घराव करके कि उन्होंने लाणता पाइया जो कि मेरे वालों गई शर्म करो मारे आप अजय देवगन हाँ देख लो जेडे पंजाब दे आ गए पग्गा दस्तारा नहीं है दस्तारा तू ही सकते लाड़ दा गुड़ दा लाड़ दा क्योंकि इन्होंने ट्वीटा कीतियां सारे बॉलीवुड के जिन्ने स्टार अक्षय कुमार हो गया सनी देओल हो गया ते गां इन्हां दे मुंडे भी हो गए सनी देओल दे फिर अजय देवगन ने भी ट्वीटा कीतियां मैनू पता गल करूंगा उतर के गल करूंगे बुरे थोड़ी ना ना गल करे गड्डी गड्डी के लग जाऊंगा इहदी एड्डी की गलती सीगी कि इन्हें किसानों की खातर संघर्ष के योगदान ही पाया एक किस्म का भी कल्या सिंघा ने उत्थे जाके बॉम्बे किसी घेरना बहुत सुखाला जी का बड़ा थोड़ी है जी बॉम्बे कल्ले सिंह ने किसी की गड्डी रोकी रखी वह भी 20 मिनट शर्म करो मारे आप अजय देवगन हाँ देख लो जेडे पंजाब दे आ गए पग्गा दस्तारा नहीं है दस्तारा तू ही सकते लाड़ दा गुड़ दा लाड़ दा जमानत होने बाद जिन्हों को मैं काम करती उन्होंने मैं काम तो हटा दिया जी उन्होंने मैंने इदा कहा कि अभी थोड़ा थोड़ी देर तक काम से बुलावे थोड़ा हजे थोड़ा रौला ज्यादा वा सू पुलिस परेशान करती है फिर मैं एक होर आर्टिस्ट श्रद्धा आ रहा वो मेरा फोन नहीं चक रहे थे फिर 2 दिन आर्टिस्ट ने फोन किया उन्होंने फोन नहीं चकन हट गए तो फिर इस करके पंजाब आ गए क्योंकि काम मैनु ही हट गया मैं पंजाब आके भी काम करता जी अपने खरड़ दे विच गया जी अपने दिने आना ही रात में उत्थे मैनू कहिंदे वीरे थोनू नहीं लगना मैं की गल होगी सद्या आप कहिंदे बाई ने मना करता जिहड़ा साडा मेन सी लाइट वाला मनीष लाइट करके फिर गलबात करके रेहड़ी पता की रेहड़ी की प्रेस का जूसर पिया ही साडे कोले जूसर ही आप घरों ही लादा जो शेकर डाइट बना मैं सर दे लई डाइट भी इतने शुरू करती जी जैम वाली स्पैशल अपने पूरे पंजाब की कितने मिलती नहीं होनी है स्प्राउट डाइट रखी हुई है जी ये फिर उन्हें करके हम काम चला है इतों रेहड़ी आ गई तो अफसोस होंदा सी कित्थे मैं वड्डियां वड्डियां गड्डियां चलांदा होंदा सी मर्सिडीज ऑडी वर्गियां गड्डियां चलानी होंदियां सी ते अज रेहड़ी जिहड़ी है वह इदां लैके आउणी पैंदी है अफसोस तो उस टाइम कुछ नहीं सी उस टाइम तो चढ़ती कला अंदर ही पूरी क्योंकि जमानत होगी सिंह मेरे अंदर जो तो मैं बाहर निकलिया थाने चो घटो घट 10-12 गड्डिया सगिया तो सिंह आए भी दूर कोई थाने तो आए उतो कोई दादर तो आया कोई मीरा रोड तो आया काफ़ी सिंह आ गए थे उसकी डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुमन जेटली स्वागत करती हूँ उम्मीद है कि तुसी किसानी अंदोलन हाले तक भुले नहीं होवोंगे तुसी नहीं भुले होवोंगे कि किसानी अंदोलन के दौरान सैकड़े किसानों ने अपनिया जिंदगियां गवा दतिया ने किसान शहीद होए ने अपने हकों को लैके अपनिया मंगों को लैके किसान हले भी दिल्ली के डटे हुए ने ते किसानी अंदोलन के दौरान ही एक तस्वीर सामने आई सी एक वीडियो सामने आई सी पंजाब दे ही एक नौजवान दे वल्लों एक गुरु दे सिख दे वल्लों बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन दी गड्डी नू घेरिया गया सी किया गया सी कि दस्तार दी वरतों करके पंजाबियां दा प्यार खट्टण वाले ये तमाम बॉलीवुड दे अदाकार अज चुप क्यों ने किसानों दे नाल क्यों नहीं खड़े होए इत्थे ही कहानी खत्म नहीं हो जाती उस तो बाद ओही गुरु दा सिख कित्थे गया की कर रहा है तज राजदीप सिंह ओही वीडियो बनाने वाला अजय देवगन की गड्डी नू रोकण वाला गलबात करांगे राजदीप सिंह जी मेरे नाल मौजूद ने तुसी देख सकते हो कि ए
इत्थे एक रेहड़ी लाई हुई है, आ बंटे वाली बोतलों तुसी देख लो, फ्रूट शेक ये राजदीप सिंह वेच रहे ने इत्थे। पर इस तो पहला राजदीप सिंह की करते सी वह भी तुहानू जरूर दसांगे, तो गलबात राजदीप सिंह जी दे नाल करदे आ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਬੰਬੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਹਦੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਸੀ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ਮੀ ਦੇਸਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੰਕੀ ਮਿੰਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਰਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੰਡੇ ਟੁੱਡੇ, ਗੁਲਕੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸਰ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਹੀ, 3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਨਾਲ ਲਾਈ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਏ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਸੀਗੀ, 15 ਤੋਂ ਫਿਰ 20 ਹੋਈ, 20 ਤੋਂ ਫਿਰ 25 ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, 25,000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਸਮਝਦਾ ਮਜਬੂਰੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਸ਼ਮੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਰਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 2 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਹਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 8,000 ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਤਾ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਊਗੀ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, 2,000 ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਟਵੀਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਸਾਂਭਲੂਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਵੈਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲੈਟਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਜੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਕੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ? ਅਚਾਨਕ।
ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆ ਮੇਨ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਗਾ 300 ਮੀਟਰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਗੇਟ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਗਈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ। ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੜਾ ਪਾਓ ਖਾਧਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖੋਲਦੇ ਆ ਮੇਰੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧੌਣ ਫੜ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਫੜਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਾਏ ਕੇ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਦੇ ਗਾਣ ਕੀ ਗਾੜੀ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਊ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੋ ਜਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ 200 ਮੀਟਰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀਆਂ ਬਲੋਕ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੱਕ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੱਕ ਕਿ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਣ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੂਰੇ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ 4-5 ਖੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਠਾਣੇ ਚੌਂਕੀ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਕਾਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹ ਛੋੜ ਦੇ, ਇਸਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਤ ਉਤਾਰ, ਇਸ ਕੋ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਚਲੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਜੋ IDC ਪਰੂਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ IDਪਰੂਫ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਬੰਬੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.25 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਕੁਲਧਾਮ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਡਿੰਡੋਸੀ ਚੌਂਕੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਤੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਤੇ ਹੈ, ਖੇਤੋਂ ਮੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਖੇਤੋਂ ਕਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ? ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਰ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਗੱਲ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਘੇਰੀ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 3 ਕੁ ਘੰਟਾ 12-12:30 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ
तलाशी करके आए तो जिन्हां दे माल मकान मालक सीगे वो डर गए कि भाई पुलिस आई है। एक वड्डे अफसर आए थे एस एच ओ मारन गया खुद रेड नाल दो लेडीज़ कॉन्सटेबल भी सी ते जदों ले रेड मारी ते उन्होंने दो चार दिन तो मैनू ए किया हाँ जी ते उदू बाद दे विच ही उन्होंने फिर गलबात करके पुलिस वाले वापस आ गए कहिंदे कुछ नहीं मिला तुहाडे घरों। मैं क्या सर मिलना भी की सीगा कहिंदा तू किया पैसा लई किया मैं तैनूं किसने पैसे दित्ते मैं किसी ने कुछ पैसा नहीं दित्ता जी। मैं क्या ये मेरे अंदर का सीगा जो भी सीगा मेरे अंदर रोस प्रगट सी उहदे लई वो मैं तां उहनूं लाहण तां पाई आ जमानत हुई मेनू तो पता ही नहीं कुछ ना मेरा कोई उन्होंने लिंक अज तक ना कदम मिले वह तो जो मेरी वीडियो इन्नी वायरल होगी जी मैंने तो पता नहीं किन्नी होगी मेरे फोन जपत सी क्योंकि मेरे फोन से वीडियो वायरल हो रही है। तो जो वायरल होने तो बाद शाम को मैं सिंह आते मैं नहीं पता कौन है वो कहते सिंह तेरी जमानत लिए आया से मैं कहा चढ़ती कला मैं बड़ी खुशी हुई चलो जमानत नहीं आ रहा तो मेरा सर वो भी बाहर खड़ा सगा तो उदू बाद उन्होंने कहा तेन फोन आ रहा किसी का कहते फोन से गल कर लो उन्होंने अपने फोन तो गल करवाई मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने फिर गल की कहते सिंह असी टिकटा करा लिया सी आने दियाँ कि अं बॉम्बे आ रहे पर साडे डीजीपी साहब नाल गल हो गई वो कहते कि अभी तेरी जमानत हुणे ही करदे वकील भेजो रातों रात वकील किया जी इन्होंने तो फिर रातों रात मेरी बारह बजे तो पहले जमानत हो गई जी मेरी। अफसोस होया सी कि जो मैं कीता जे मैं ना करदा ते इस तरह अंदर ना जाना। अफसोस तो उस टाइम कुछ नहीं सीगा उस टाइम तो चढ़दी कला सी अंदर ही पूरी क्योंकि जमानत हो गई सिंह मेरे आने जो मैं बाहर निकलिया थाने चो ही घटो घट दस बारह गड्डिया सगियाँ सिंह आए भी दूरों कोई थाने तो आए ही उतो कोई दादर तो आया कोई मीरा रोड तो आया काफ़ी सिंह आ गए थे उ 25-30 हज़ार कमाते सके तो हूँ रेहड़ी तो आ गए सूँ इतों ये भी पता लगे ये सज्जन थोड़ी दुकान के बाहर खड़े हुए थे कहते कि तुम पंजाब आके भी नौकरी करने की कोशिश की है पर तुम्हें कट दिता जाता से कौन कट दिता मैं पंजाब आके भी काम करता जी अपने खरड़ दे विच गया जी अपने किसी टाइम मैं शो के इतने एक शो किया हीर रांझा पंजाबी जिस सारा गरपाल जी मैं प्रोडक्शन करता जी उस बॉम्बे तो प्रोडक्शन कर ली मैं पंजाब आया जीगा उ थोड़ी डायरैक्टर ना कुछ गलबात हो गई वो छड़ता शो उ कुछ बंदे मैंने मिले लाइटिंग वाले उन्होंने जानते पछाण सी उन्होंने मैं लाइट रेंट से मंगा जी आपके शो के हीर रांझा जो वो शो के बाद चलो मैं हूँ पंजाब तो आ गया उतो तो कम मिलता नहीं फिर मैं उन्होंने लिंक किया दोबारा मैं यार मैनू रख लो मैं कम आता कहते चलो आ जाओ बाबा जी गल ही नहीं कोई मैं जाके काम किया जी मैं सरों पहला एक मानव गीत करके सिंगर आंता गाणा किया सरदारी फिर परमीश वर्मे का भी एक अद्धा गाणा करके आए फिर अभी बब्बू मान का गाणा किया अर्जन ढिल्लों का किया दो तीन होर जे छोटे मोटे गाने वो भी किए काम की कोई कंप्लेट नहीं उन्होंने दसाया वो भी खुश हो गई कि हाँ वधिया काम करता मैनू डी ओ पी से जेडे डी ओ पी खुद अगो आवाज़ मारते खालसा जी आह लाइट चाहिए अपन मेरे जो मैं इंचार्ज से ना साडा उन्होंने नहीं सदे जी मैं सदे जी इंचार्ज में छड़ के कि खालसा जी आह लाइट चाहिए मैंने सारा पता क्योंकि 7 साल मैं इंडस्ट्री के रहा डायरैक्टर सर रहा मैं असिस्ट भी किया उन्होंने मैं काफ़ी नॉलेज है शूटिंग लाइन की तो अचानक ही जो अभी बब्बू मान का गाना करके आते तो कुछ दिन बाद लॉकडाउन हो जाता बिच दी लॉकडाउन होंगे तो फिर मैं लॉकडाउन तो बाद मैनेजर सदा साडा कहिंदा आ जाओ काम शुरू हो गया आ जाओ मैं जाना जी मैं दिने आना जी रात को उत्थे मैं कहते भी थोड़ू नहीं रखना मैं क्या की गल होगी सद्या आप जी कहते बाई ने मना करता जोड़ा सा मेन सी लाइट वाला मनीष लाइट करके वो चंडीगढ़ का एक ना जिमी जी ऑपरेटर आ बहुत तकड़ा हुई इतने टॉप च मैं सुने अपने पंजाब उ चलता पाया वा मनीष करके तो उनकी लाइटिंग का भी काम आई मनीष लाइट तो उन्हें उन्होंने फोन करता कि आप बाबा जी ने नहीं रखना सिंह साहब न कि इन्हों केस कूस चलता तो मैं फोन कर लिया उन्होंने मैं क्या वीर जी दसो मेरे को रिकॉर्डिंग अभी भी है मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा मैं क्या वीर जी कि गलों काम तो हटा रहे हैं कहते थोड़े थोड़ा पता जी अभी कांड करके मैं किया कहते बॉम्बे व्डे व्डे बंद पंगे लेने मैं क्या जी वो जायज़ लिया कोई गलत लिया नहीं किसानों के हक जी लिया वा कहते नहीं पर असं थोड़ा रख नहीं सकते उन्हें करके मैं क्यों कहता सानू यूनियन का फोन आ गया उतो बॉम्बे तो बॉम्बे लाइटिंग की यूनियन का कहते फोन आ गया जी मैं क्या ये तो हो नहीं सकता कहता नहीं सानू यूनियन का फोन आया असं ता नहीं रखना क्योंकि सानू परेशान कर दे तो मैं चलो ठीक है जी फिर हम आप कर सकते हम जो तुम रखने नहीं धक्के तो मैं थोड़े लग नहीं सकता जी तो उदू बाद मैं मान साहब ना कंटैक्ट करने की कोशिश की बब्बू मान साहब ना उन्होंने जेडे नाल शाह जी करके होंगे उन्होंने गलबात की वो कहते वीरे आप देखते हैं कम कहते मनीष को मैं कह दिना मैं क्या वीरे हम तुम देख लो कि करना वो कहते चलो तेरे लिए कम ही लभदे मैं दो बार फिर ट्राई किया मैं चल मान साहब ने एक गल कर दो गल नहीं हो पाई मान साहब ना फिर उदू बाद अक तक के जी फिर घर तो आ गए उतो खरड़ दो क्योंकि रहना औखा जी हूँ उन्होंने को भी जो काम ही है नहीं घर आ गई फिर दो तीन जगह ट्राई किया पर लेबर का भी मैं करने की सोची चलो मेहनत कर लें आप होर लेबर कर लें वो भी नहीं मिले जी उदू बाद फिर घर के कहें कि तू दस हूँ की करना मैं चलो मैंने जिन्ना क आता कम मैं उत्थे जो करता जी सर के ना बॉय का मैं क्या मैंने ये कुछ बना मैं बना लेना ही मैं क्रेडी ला लेना
पहला घर ने मना किया कितने तू रेहड़ियां लाता फिर की करें घर के फिर कहते मैं हौसला दिता मैं चलो कोई नहीं कम ही करना मेहनत करनी छोटा व्डा नहीं इस गल मेहनत ही करनी कहते गड्डिया जो आके तो हम रेहड़ी चलाएगा मैं चलो कोई नहीं हूँ मालक की रजा ही भी मैंने ये भी ठीक आ फिर गलबात करके यार रेहड़ी पता की किराए से रेहड़ी की साढ़े घर प्रेस का जूसर पिया ही साढ़े को जूसर ही आप घरों ही लाता जो शेकर आ फिर हौली हौली पहला अभी कला मैंगो शेक बनाना शेक ही रखा सगा हौली हौली इन लैमन ऐड कर लिया फिर कोल्ड कॉफी फिर एक उत्तर डाइट बना मैं ही सर दे डाइट भी इतने शुरू करती जी जैम वाली स्पैशल अपने पूरे पंजाब की कितने मिलती नहीं होनी है स्प्राउट डाइट रखी हुई है जी फिर उन्हें करके हम कम चला है उतो रेहड़ी आ गई बॉम्बे तो कभी कोई फोन नहीं आया उस तो बाद किसी ना कोई रबता नहीं होया नहीं रबता मैं खुद करने की कोशिश की सी मैं रश्मि देसाई ने दोबारा फिर फोन लाएगी शायद मेरे ना गल कर ले उन्होंने मैंने वट्सअप तो भी ब्लॉक करता जी हाँ जी मैंने ये चलो काम मिल जाए दोबारा फिर आ रेहड़ी लाने तो पहला तो रश्मि देसाई भी खाती होनी है रोटी तो तमाम लोग खाते होने ने जेडे खिलाफ हो गए थे जिन्होंने ये कह के तुम गलत किया सारे ही खाते जी रोटी बिना दसो कौन रह पा सकते अजक जो आप जानवर कह लीए वह भी रोटी खाँद जी रोटी बिना किसी का गुजारा नहीं गई पर उन्होंने अंदर एक ऐसा डर अभी इंडस्ट्री के लोग हाँ क्योंकि रश्मि देसाई का भी एक बड़ा नाम आई श्रद्धा आर्य का भी बड़ा नाम हूँ चिंकी मिंक का भी बहुत बड़ा नाम उन्होंने एक डर आ अगर असं इनू ना रखते सूँ काम मिलना शायद बंद हो जाए ये डर से उन्होंने अंदर एक उत्थे की है बॉम्बे दे विच की माहौल सी जदों किसान अंदोलन शुरू होया किसानां नूं लैके अंदोलन नूं लैके की गल्लां हुंदियां सी उत्थे कि सारा बॉम्बे किसानां दे खिलाफ सीगा देखो कई ना मेरी बहस भी हुंदी सी उत्थे कई ऐसे बंदे सीगे जिहड़े कहिंदे कि नहीं सरकार सही आ मेरी लड़ाई भी होंदी इस बहस बस इहदे विच पर फिर भी चलो इन्ना समझदे यार आपां बाहर बैठे हाँ चलो किसी ने आपां की लड़ना उन्हां दे आप दे विचार आ साडे आप दे विचार आ बथेरे साडी बहस भी हुंदी रही पर किसी टाइम ऐसा भी सी कि कई किसानां नूं सही भी कहिंदे आ पर कई गलत भी कहें क्योंकि सरकार के प्रैशर जाके जिम्मे हम इन्होंने ट्वीटा की सरकार के प्रैशर जाके की इन्होंने कभी ये रेहड़ी जो रेहड़ी लैके इतने आने घरों निकलते हो जूस बना रहे होंगे हो या शेक बना रहे होंगे हो तो अफसोस हों कि मैं व्डिया व्डिया गड्डिया चला हों मर्सिडीज़ ऑडी वर्गिया गड्डिया चलानिया होंगे सी अज रेहड़ी जी है वह इदा लैके आनी पैंती है अफसोस तो जी देखो एक बार जरूर आई जो आप कम नहीं मिलता जी यार मैं यार मैं कर की बैठा पर फिर एक अंदरों महाराज अगर अरदास करके नहीं कि यार कुछ करना घर बैठना चंगा घर बैठे किसी ने कुछ देना नहीं गई एक हौसला करके आप ही फिर यार रेहड़ी लाई है जी एक रोस तो उस टाइम आई है लाने तो पहला यार काम नहीं दे रहा कोई कि पता नहीं मैं की कर बैठा एक जरा आर्थिक तौर पर जी परेशानी आई होनी है तंगी का सामना भी करना पाया होना है घर भी औखा औखा होया होना तंगी का ही बहुत है क्योंकि लॉकडाउन से ही एक तो व्डा भरा भी उस टाइम फ्री सी तो फिर आप तो हूँ जो चलो खर्चा सगा मैं ही चला रहा उतो है ना ही लॉकडाउन करके इतने तो पंजाब इन्ना काम है नहीं जो उ माड़ा मोटा सगा जो भी सूँ अद्धी सैलरी से भी काम मिल रहा है मैं कर रहे जी तंगी तो बहुत आई जी पर फिर हूँ आ रेहड़ी तो शुरू आप दोबारा किया जी कभी ए तो नहीं हो रोटी तो भी औखे हुए जो काम नहीं रोटी तो चलो परमात्मा दे ही एवं कि रोटी तो दो टाइम की अपन तीन टाइम की परमात्मा दे ही आता जी हाँ जी पर जोड़ा काम तुम सत्त साल तो कर रहे थे वह खोल लिया एक वीडियो के करके हाँ जी वो मैंने कि जिनी मेरी जिन्ना सारे जिन्हें मेरी बनी सी वे वे आर्टिस्ट हो गए छोटे लैवल से भी फिल्मी अदाकार से जोड़े ना उन्होंने सारे ना टुट गई जी एक दिलीप शुक्ला सर आ जे दबंग के राइटर तीन फिल्मा तिने दबंग उन्होंने लिखिया मैं सलमान खान सर के नाल भी तीन दिन रहे अं राइट स्क्रिप्ट लेके जाते रहे दबंग थ्री की तो वो सर ना भी वधिया प्रेम से उन्होंने भी फोन किया कहता कहता सिंह साहब हजे कुछ है नहीं फिर दसांगे अचानक एक टोन ही बदल गई उन्होंने भी अजय देवगन के नाल जो होया अजय देवगन की जी नतीजा कह सकते यही नतीजा हाँ जी हाँ जी उन करके हो जो भी पर मैं ये भी सोचता चलो परमात्मा ने पता नहीं की सोचा होना पर आप हौसला नहीं हारा जी जी खुश हो हूँ इस काम तो खुश तो है ही हूँ एवं कहीं आप उदास होकर भी कुछ कर नहीं सकती पर इन्ना मेरा हूँ इतों परिवार पल रहा जी हाँ जी कृपा जी हूँ कुछ दिन पहले तो काफ़ी सी नवा नवा काम से नहीं गई हूँ एक दो वीडियो वायरल जी हुई दोबारा फिर जी उन्हें करके लोग लोकल आने लग गए जी पंजाब तो सपोर्ट कर रहे हैं ना पंजाब नूं तां कोई गिला नहीं है ना थोड़े तो नहीं गिला तो किसी ना भी नहीं गई फिर गिला देखा तो उन्होंने भी नहीं गए जिस हिसाब से सपोर्ट देखा जाए वो भी अपन कम देंदे सी पर यह अचानक एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया जो कि अजय देवगन ना आता फिर तो कम करी जाते हैं अपनी हाँ जी पंजाबी आर्टिस्टों को मंगया काम क्योंकि बॉलीवुड ने तो नहीं साथ दिता पर वह काम सारा किया हुआ से जो बॉम्बे होंगे और पंजाब से भी होंगे काम तो पंजाबी आर्टिस्ट आर्टिस्ट जोड़े ने उन्होंने काम उन्होंने समझाने की कोशिश की काम मंगने की कोशिश की देखो जी मैं मेल की कई आर्टिस्टों मैं कई काफ़ी आर्टिस्ट मेरे को मेल अभी भी पी वा मैं मेल की कि मैं इतने तक काम करता जी बट मैं कम की लड़ा कोई अगर रिप्लाई नहीं आता जब मैं काफ़ियां कॉल करके ही पुछता रहा कि हाँ जी कोई रिक्वायरमेंट हो ड्राइवर दी कुछ इदा वो कहते नहीं हजे लड़ नहीं जी ट्राई मैं बहुत किया इतने आगे भी पर पंजाब लिए तो खड़े हो पंजाबियों तो माण होना चाहिए ना आर्टिस्टा तो मैं लगता कि इतने लुट्ट पै जानी चाहिए थी कि नहीं मैं रखना इन्ना हिम्मत ही बंदा पंजाब के पिछे बॉम्बे च लड़िया वे
देखो हम की कह सकते इन्होंने सर वो कहते साढ़े को रिक्वायरमेंट फुल आ जा हजे कोई लोड़ नहीं बस इदा ही कह देंगे जी सच्ची रिक्वायरमेंट फुल होएगी या तुहाडे उस जो तुहाडा वतीरा सीगा उत्थे जो तुसीं अजय देवगन दे नाल कीता उस डर दे नाल कि किते कल नूं साडे खिलाफ ना हो जाए शायद हो सकदा जी पर आपां हुण कुछ कह नहीं सकते आपां मिलणी फेस टू फेस नहीं गल सिर्फ कॉलिंग फोन की गल हुई है जी हाँ जी तो उन्होंने मना कर दिया उन्होंने मना करते कहते हजे रिक्वायरमेंट फुल है अगर कुछ होया तो अभी जरूर दसांगे मैं काफ़ी आर्टिस्टों मेल भी की क्योंकि ये बड़े आर्टिस्ट होंगे जो मेला मुला भी देखते हैं कॉलिंग घट चकते जी मान साहब ना जरूर मैं ट्राई किया जी दोबारा पर मान साहब ना गल नहीं हो पाई अगर गल हो जाती शायद कुछ हो जाता जी बड़ा मैं सारा होर जो शूट तो फ्री उन्होंने सीन साडा हो गया उन्होंने मेरे को आ जाना अभी उत्थे गल्लां करनी होर अजय देवगन नूं लैके गल कर लैनी कोई नहीं शेरा बहुत वधिया काम कीता बहुत काम कीता वधिया गल्लां होंदियां जी उदू बाद चो एक जे मेरी गल हो शायद मेरा कुछ बन जाता पर मेरी गल ना होने करके थोड़ी दिक्कत हो गई मतलब की लगता है जो कल मुड़ तो पंजाबी इंडस्ट्री तक तुहाडा इह सुनेहा पहुँचता साडी इस वीडियो के जरिए तो जे काम तो बुला लेंगे ने तो रेहड़ी छड़ दोगे फिर कोई किरता जी मेरी ये हूँ तो इतने तो रही मैं तो यही हूँ सोचा कि यही काम वधाउणा जी वापस नहीं जाना इस काम इंडस्ट्री चुन पत्ता कट्ट वाला काम ही करता जी क्योंकि जो लोड़ सी उदों धक्का देता जी हूँ मान लो कि हूँ मैं अपना काम कर लिया मैंने ऑफर भी आई प्रोडक्शन वालों भी किसी एक अपना यार मित्र है वी सिंह करके प्रोडक्शन वाले आ उन्होंने मैंने कहा जी बाबा जी इतने आज प्रोडक्शन करो मेरे ना आज पर मैं कहा नहीं हूँ तो मैं काम तोड़ लिया या तो जो लोड़ सी मैंने तुम उदो आए नहीं मैं वेट कराते रहे वेट कर लो मैं आ गया मैं शूट करता मैं बाहर मनाली करता पाया मैं श्रीनगर शूट पर गया उदो उन्होंने मना करता जी एक हिसाब का पर वेट कराई इन्होंने मेरी जो मैं रेहड़ी लाई उन्हें वीडियो देख के मैंने कहते हूँ मैसेज आया उन्होंने मैं मैसेज भी दूँगा कहते बाबा जी आयो तो इतने जूस का काम करना कर लो ना तो प्रोडक्शन करो मेरे ना पर मैं क्या नहीं होनी जहाँ तो पहला होंगे चलो आप कर लें हम तो ये इन्ना खर्चा घर के कौन कौन है घर च जी माता जी ने भाभी ने ते भरा वा ते भैण है जी ते दस चला रहे हो सारा हाँ जी अपने है जी ते भरा दा इदा जी वड्डे वीर दा उहनूं उह वी ड्राइवर आ उहनूं जे किसी का फोन आ गया तो वन डे टू डे चले जांदा जी पक्की नौकरी होंदी हाँ जी दिहाड़ी ते कोई अफसोस कोई गिला कोई शिकवा गिला शिकवा तो जी हुण कुछ नहीं गा देखा जाए तो बस अपना जिहड़ा देखिया एक हौसला ही हुण तो अपने अंदर जी अफसोस कर धन्यवाद जरूर करांगे तुसीं बॉम्बे दे विच रह के भी पंजाब तो तुसीं 7 साल तो दूर सीगे पर बॉम्बे दे विच रह के भी तुसीं किसानां दी आवाज़ उत्थे चुकी है तुसीं उत्थे जो हौसला दिखाया हिम्मत दिखाई है तुहाडी उस वायरल वीडियो ने किन्नियां च होर जोश भरिया से उस वेले देखिया से हालांकि थोड़ी पुरानी जरूर हो गई वो वीडियो पर मैनूं लगदा किसी नूं भुल्ली नहीं होनी वो वीडियो तो असीं यही अरदास करदे हां कि तुहाडा काम जिहड़ा दिन दुगनी रात चौगनी तुसीं तरक्की करो पिछे मुड़ के तुसीं ना देखो बिल्कुल जी हुण तां इसे काम च मैं वाधा पाउण दी सोचदा पिया जी तो बाकी मैनू इत्थे आए नू जदों आ वीर करके मगर झज इलैक्ट्रॉनिक वाले वीर अपने झज साहब ने उन्होंने बड़ी मदद की आपां नू ना मैंने कोई जान पछाणी सी इन्होंने एक मेरी वीडियो देख के मैनू पछाण लिया आ पिछले होले महल्ले साहब तुसीं गए जी महल्ला खेडण गए जी उन्होंने मैनू उत्तों पछाण लिया ने कबूतर रखिया मैनू उत्तों कहिंदे कि आ सिंह उही बंबे वाला लादा मैनू आवाज़ मारी मैं चला गया इन्होंने मेरे नाल फोटोआं फोटोआं कराइयां चलो साडी जान पछाण हो गई जी महल्ले चले गए इकट्ठी होले महल्ले ते अहीं महल्ला खेडिया मैं दो दिन बाद आया चलो फिर कम कुम का पता किया नहीं होया मैं फिर वीरे नूं फोन मारा मैं कहा वीरे यार मैनूं ना काम खोलना मैं रेहड़ी लाउणी आ तो कहिंदा किवें करना मैं कहा मैनूं जगह चाहिए लाउण नूं कहिंदा लाला अपने अगे मैं कहा मैनूं पर लाइट भी चाहिए आ कहिंदा बाबा लाइट भी लाड़ा कि गल आ तो साडा लाइट की गल हुई तो पानी पूनी भी मिलन लग गया फिर मैं हौली हौली वीरे नाल इन्ना प्रेम पै गया असीं समान जिहड़ा मेरा सारा मैं इत्थे रख के चले जाना तो वीर का बहुत धन्यवाद करते हैं झज बाई होने जिहड़े अपने तो इन्हां नाल वीर जी नाल भी एक वारी तुसीं गल करिओ कि इन्हां दा आपां तहे दिलों धन्यवाद करदे हां जी वीरे दा बथेरिया ने साथ छड़ता सी जदों मौका सीगा साथ देण दा उदों छड़ता सीगा शायद इन्हां नूं भी यही लग रहा होना कि मेरी रेहड़ी भी नहीं लगन देनी किसी ने इत्थे हाँ जी इन्हां नूं लगदा सीगा वीर मेरे को आया जदों कहिंदा भी इदां करके भी मेरे घर का गुजारा नहीं चल रहा भी मैनूं जगह भी रेहड़ी लाउण वास्ते मैं कहा भी कोई गल नहीं जी वेलकम किया सी तां जी इन्हां दा आप भी तुसीं आओ साडे कोले पर जिस पंजाब दे पिछे ये बॉम्बे दे विच एक्टरां दे नाल लड़न लग गए जिहड़े अदाकार सी उहनां दे नाल लड़न लग गए उस पंजाबी इंडस्ट्री ने भी कोई खास साथ नहीं दिता कहिंदे इहनां दा मैं बहुत मेल्स कीतियां ने बड़े आर्टिस्ट जिहड़े ने उहनां नूं कॉन्टैक्ट करन दी कोशिश कीती है हाँ जी इहनां ने जिवें हुण मैनूं आ के दस्सिया कहिंदे भी असीं लाइट दा काम कीता इत्थे चंडीगढ़ जा के खरड़ दे विच ते उत्थों भी इहनां नूं किसे ने बॉम्बे तों फोन करके उहनां तों भी इहदा काम छड़वाता बेचारे दा इहदी एड्डी कि गलती सीगी भी इहने किसानां दी खातर संघर्ष दे विच योगदान ही पाया इक किस्म दा भी कल्ले सिंघां ने उत्थे जाके बॉम्बे दे विच किसे नूं घेरना बहुत सौखा जी दा वाड़ा थोड़ी है जी बॉम्बे दे विच कल्ले सिंघ ने किसे दी गड्डी रोकी रखी वह भी 20 मिनट मैं तां इहदा धन्नवाद करदा भी मैनूं मिलिया क्योंकि असीं किसान हाँ जी असीं भी दिल्ली धरनां ते जांदे रहे हाँ
लेकिन मैं गल ये है जी भी यदि किसी ने सार नहीं ली जिदा भी उत्थे एडा संघर्ष के जान पाने वाला काम किया बंदे ने भी इन्हों किसी ने आके ना भी होके किसानी संघर्ष जान पाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वह भी बॉम्बे के जी आपका योगदान पाया जी जे देखा जाए तो अभी तो इन्हों का धन्यवाद करते हैं भी इन्होंने किसानों की खातर इन्ना कुछ किया। हम किसानों चाहिए भी इन्हों की खातर बॉम्बे तो आया सी नहीं काम छड़ के सारा कुछ छड़ के जो घर अपना जिहड़ा छड्डिया तां उदू बाद मैं दिल्ली गया मैं दिल्ली 3 दिन रह गया हेमकोट सिटी दे विच पर उत्थे किसी नाल गलबात नहीं की ना मैं किसी नूं कहा फिर मैनूं इह लगे यार कि शायद तू अपनी वाह वाह खट्टन नूं कहिंदा वा किसी के अंदर इह ना होवे कि यार बंदा आप आ गया पर मैं किसी ने कुछ नहीं गल की ना किसी ने कुछ कहा अपने नवे शहर तो चलो माली मदद भी करके गए हौसला भी देके गए भी असीं तुहाडे नाल खड़े हर वक्त वो तो इत्थे तिकर भी कह के गए भी जदों तुसीं अपना तरीक दे उत्ते जाणा वा भी सानूं फोन एक बार जरूर करियो। पर जो जो उम्मीद तुसी कीती सी कि किसान जथेबंदियां तो शाबाशी मिलेगी वो नहीं मिली थोड़ी मैं उम्मीद तो की नहीं सी वैसे आप उम्मीद नहीं की सी मैं ना कि कुछ सोच के किया ही ये बस कुदरती जो हो गया जी पर जो तो हो गया उदो तो सोचा ही होना कि बाद एक कि चलो यार सारे जने है आप दिल्ली जावे शायद आपको प्रेम मिलेगा और पर गलबात किसी ना रही नहीं जी वो माड़ा सगा पर फिर आप इग्नोर करता ही हम आप ही करता फिर क्योंकि कम कार ही नहीं मिलता पे एक तो फिर एक होर टेंशन सी फिर इतने आके फिर थोड़ा ये कितना पै जी उस उम्र दे विच जदों होर तरक्कियां करन दा वेला सीगा राजदीप सिंह जी असीं ये मनदे आ कि उस वेले तुहानू तुहाडी लोक उदों प्रमोशन दी उम्मीदा कर रहे हुंदे ने क्योंकि तुसीं इंडस्ट्री दे विच सीगे 25,000 तो शायद तुसीं 30,000 35,000 दी उम्मीद कर रहे सी पर उस वेले जिहड़ी इक वीडियो ने तुहाडी जिंदगी बदली है पर उस वीडियो तो बाद हुण मेहनत की कमाई कर रहे ने तां अक्सर असीं सुणदे आ कि काम कोई भी वड्डा छोटा नहीं हुंदा जिस काम की शुरुआत हुण इन्हां ने कीती है परमात्मा अग्गे अरदास करदे आ कि इसे काम दे विच ए वधण फुलन ते पंजाब दा नाम तुसीं बॉम्बे दे विच जाके एक बार दस्या बॉम्बे वालियां नूं कि असीं पंजाबी आ तुसीं किसानी संघर्ष दे विच शमूलियत ना करके भी बॉम्बे दे विच रह के भी जो किसानी संघर्ष दे विच अपना हिस्सा पाया उसदे लई अज भी तुहाडा धन्नवाद करना चाहुंदे आ। तां इहने राजदीप सिंह जी जिन्हां दी एक वीडियो वायरल होई सी अजय देवगन की तकरीबन 20 मिनट गड्डी रोक के इन्होंने उन्होंने एहसास करवाया सी कि पंजाबी कौन हुंदे ने उन्होंने एहसास करवाया सी कि सिर ते पग्गा बन के जदों तुसीं पंजाब नूं वरतदे हो पंजाबियां नूं वरतदे हो साडियां भावनावां दे नाल खिलवाड़ करदे हो ते अज तुसीं साडे नाल नहीं खड़े होए तां अपनी होंद दा एहसास इन्होंने बॉम्बे दे विच करवाया सीगा। वो वीडियो बहुत वायरल हुई सी पर उस तों बाद राजदीप सिंह जी की जिंदगी किस तरह बदल गई है वो तुसीं देख सकते हो। कैमरामैन विक्की दे नाल सुमन जेटली डेली पोस्ट पंजाबी रायकोट।